बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एक्सप्रेसो। इस उम्मीद और दुआ के साथ क्या बिल्कुल ठीक ठाक है। ऐसे होता है, कल की तरह ईद मुबारक नहीं होता। ये है अरबला हसन और मैं नहीं बता रही और मैं हूँ इमरान हसन। अच्छा चलें, जब तक ये चार्ज होती है हम दोबारा से। मैं चार्ज हूँ और मैं भरपूर एनर्जी के साथ आई हूँ, मैं फ्रेश हूँ। आप इस बात की बिल्कुल टेंशन ना लें और काम करें। कन्फेशंस होगी। अच्छा जी, आज यकुम अप्रैल है और आपको पता है कि हुकूमत ने 50 रुपए जो पेट्रोल है उसकी कीमत कम कर दी है। आप ऐसे लोगों से आज के दिन बहुत बच के रहिएगा, क्योंकि आज यकम अप्रैल है। बहुत सारे लोग इस तरह से फूल बनाने की कोशिश करते हैं, आपने फूल नहीं बनना। वैसे कितनी अच्छी खबर होगी 50 रुपए पेट्रोल की कीमत कम। बस ये फूल ही बन सकते हैं हमें। वैसे 1.5 रुपए कम हुई है, 1.5 रुपए 50 रुपए और 1.5 रुपए। अच्छा जी, तो आज एक तो अप्रैल फूल के हवाले से हमने खास तौर पर सबसे पहले आपको बताना था कि यकम अप्रैल को बहुत सारे लोग, एक रिवायत चलती है और उसमें लोग झूठ बोलते हैं, होता तो मजाक है लेकिन बहुत सारे लोगों को नुकसान भी हो जाता है इसका। So be very careful, लोग बहुत sensitive और अच्छा, मैक्सिमम लोग आजकल अपनी ना शादियों और मंगनियों का लिखते हैं कि जी I'm getting married या इस तरह से, या मैं बाहर जा रहा हूँ। अब ये पुराना हो गया तो नया कुछ लेके आते हैं हम। हाँ, अब तो पहले SMS आया करते थे, फॉरवर्ड मैसेजेस के, ये हो गया ये हो गया, एंड पे लिखा होता था डॉट 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 के बाद अप्रैल फूल, मतलब। तो आज बी वेरी केयरफुल, इससे पहले कि आप बेवकूफ बन जाएं, हमने आपको सही वाली बात बता दी। बताने की कोशिश की, पेट्रोल 1.5 रुपए सस्ता हुआ है। अच्छा, उसके साथ जी और क्या हमने बात करनी है? और हमने कोविड की बात कोविड की वजह से शादियां इमरजेंसी में हो रही है। बहुत सारे ऐसे लोगों की शादियां हो रही थी और हम सोच रहे थे कि आने वाले महीने में, या वो बेचारों ने जल्दी जल्दी में शादियां की है, लेकिन अच्छा ही किया है। वैसे अगर आपने घर पे सादगी से शादी कर ली, मुझे लगता है सबसे ज्यादा इन शादियों की वजह से कोरोना। बिल्कुल, 31 मार्च को एक वक्त में तो सिर्फ नतीजा आता था, आपको याद है हमारा, हम जब बचपन में थे तो 31 मार्च को हमारा रिजल्ट आया करता था। 31 मार्च को बहुत सारे लोगों ने फौरन से शादियां कर ली, चूंकि यकुम अप्रैल से गवर्नमेंट की तरफ से जो लॉकडाउन है उसको इन्फोर्स किया गया है। और आज लाहौर की सड़कें तो हम देख रहे थे, कराची और इस्लामाबाद में भी यकीनी तौर पे ऐसा होगा। काफी हद तक जो लॉकडाउन है या काफी हद तक जो वीरानी है वो सड़कों पे नजर आ रही है। ये अच्छी बात है अगर 10-12 दिन के लिए हम थोड़ा सा अपने आप को रिजर्व कर लें तो बेहतर नतायज आ सकते हैं। लेकिन दूसरी जानब कोविड के केसेस बच्चों के अंदर रिपोर्ट हो रहे हैं और कुछ रिपोर्ट ये भी कह रही है कि 1-2 बच्चे जांभक भी हुए हैं। बिल्कुल, हॉस्पिटल में भी बच्चों के हवाले से कहा जा रहा है 5,700 से ज्यादा। वो तो इस्लामाबाद बिल्कुल बात करें, और ये वाला जो फैक्टर है इस बात पर हमें बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है, क्योंकि हम बार बार यही कहते हैं फर्स्ट वेव में बच्चों को इतना खतरा नहीं था, लेकिन इस वेव में बच्चे भी इफेक्ट हो रहे हैं। तो अपने बच्चों को गैर जरूरी तौर पर जो प्यार करने से थोड़ा इज्तनाब करें, थोड़ा फासला रखें। शो में आगे जाके हम कोविड के हवाले से भी बात करेंगे, सेगमेंट्स भी होगा, लेकिन सबसे पहले आपको बताएंगे आज की हेडलाइंस। पाकिस्तान और भारत के दरमियान तनाव में कमी, हुकूमत का भारत से चीनी कपास और सूती धागा बरामद करने का ऐलान। नून लीग और जेयूआई फे ने यूसुफ रजा गिलानी को ओपोजिशन लीडर मानने से इनकार कर दिया। कोरोना की तीसरी लहर बेकाबू, हुकूमत की सख्त पाबंदियों के बावजूद अवाम कोरोना एसओपीज को संजीदा लेने से इनकारी। इंसदादे कोरोना मुहिम, पाकिस्तान में वैक्सीन पहुंचने का सिलसिला जारी। आर्मी चीफ से यूक्रेन के सफीर की मुलाकात, ISPR के मुताबिक बाहमी दिलचस्पी की उमूर और CPEC पेशरफ पर तबादला ख्याल। रेतले थर का रंगीला शहर डब्लू, और डब्लू में मिलिए एक कमाल फनकार अल्लाह बचाया से, सेगमेंट सफर है शर्त में। फास्ट फूड को तंदूर में तैयार करने से खाने की लज्जत मजीद दोबाला हो जाती है, परियाल राणा खिलाएंगी तंदूरी बर्गर और चाय, सेगमेंट देसी फूड में।